guys and welcome back to my channel. So in today's video I am going to create a simple and sort of an easy Rakshabandhan look. So kyunki maine green color ka outfit pehna hai to maine socha ki why not create a look around that. So in today's video I am going to use this palette of Mars. This is very affordable and इसके pigments मुझे जब मैंने swatch किया तब तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे and जो ये सारे glitters हैं वो भी अच्छे से blend हो रहे थे so I thought why not try this palette itself. Plus इसमें green shade भी है and green glitter भी है so yes we'll do this. तो आज मैं सोच रही हूँ मैं green and pink को use करके कुछ look create करूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी मेरे फेस को प्राइम करने से. मैंने स्किन केयर कर लिया है. मॉइस्चराइजर वगैरह आपको लगा लेना है पहले ही, जो भी आपका स्किन केयर रूटीन है वो. उसके बाद अभी मैं फर्स्ट सबसे पहले स्टार्ट करूंगी मेरे प्राइमर से. मैंने पहले भी कहा है मैं फेसिस का प्राइमराइजर यूज़ करती हूँ, यानी कि इसमें प्राइमर और मॉइस्चराइजर मिक्स है. बिकॉज मेरी ड्राई स्किन है तो मुझे ये ज़्यादा सूट करता है सो आई प्रेफर यूजिंग दिस ओनली. तो मैं ये ले लूँगी एंड मैं ये अच्छे से लगा लूँगी अपने फेस पे. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप नायका का जो आता है प्राइमर आप वो भी यूज़ कर सकते हो. वो भी काफ़ी अच्छा है, पोर फिल हो जाते हैं. बट वो थोड़ा सा सिलिकॉन बेस्ड में है तो इसलिए मुझे वो इतना सूट नहीं करता मेरी स्किन टाइप के लिए. बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो दैट इज़ अ परफेक्ट मैच फॉर योर स्किन. तो अब मैं लूँगी फेसिस का ये कंसीलर. This is in the shade honey cream. जो भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो इन केस इफ यू वॉन्ट टू बाई इट यू कैन. सो सबसे पहले मैं आई मेकअप से स्टार्ट कर रही हूँ तो इसलिए मैं पहले मेरे आई के लिड्स को प्रेप कर लूँगी. विद माई कंसीलर अगेन आई एम टेकिंग 272 पैक ब्रश कंसीलर ब्रश. मैं यही ब्रश यूज करती हूँ. दिस इज द बेस्ट दैट आई हैव इन द मार्केट. सो आई विल जस्ट स्लोली ब्लेंड इट. सो कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो गया है. अब मैं मेरे आई मेकअप के साथ स्टार्ट करूंगी विच इज एक्चुअली डूइंग माई आई शेडोज. ये मैं ले रही हूँ मास्क का पैलेट एज आई सेड बिफोर ऑल्सो. और मैं ले रही हूँ रेने का ब्लेंडिंग ब्रश विच इज R5. सो मैं बाहर मैं सोच रही हूँ मैं ये डार्क पिंक शेड लूँ एंड अंदर मैं फिर ये ग्रीन और ग्लिटर से काम करूँ. सो लेट्स टेक द पिंक फर्स्ट. मैं ब्रश को अच्छे से पिंक कलर में कोट कर रही हूँ. पिगमेंटेशन इज अमेजिंग. जो इसका प्राइस पॉइंट है इट इज़ आई थिंक अंडर 300 rupees द मास पैलेट. बट द पिगमेंटेशन इज रियली अमेजिंग एटलीस्ट फॉर दिस पिंक कलर. इसमें फॉल आउट बहुत ज़्यादा है पैन पे भी बट इफ द पिगमेंटेशन इज नाइस आई डोंट माइंड फॉर द प्राइस पॉइंट. ग्रीन का भी पिगमेंटेशन वाव है. मैंने बहुत मतलब अंडर एस्टिमेट किया. मैंने सोचा नहीं था इतना ज़्यादा अच्छा होगा. स्वॉच में ज़रूर अच्छा दिख रहा था बट यू नो व्हेन यू डू इट लाइट कलर्स में इतना नहीं होता है बहुत बार. बट दिस इज़ वेरी नाइस. ब्लेंड भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हो रहा है एंड जब मैं आईज पे लगा रही हूँ ना तब इतना ज़्यादा फॉल आउट नहीं है. सिर्फ वो पैन में ही थोड़ा बहुत फॉल आउट है विच आई रियली डोंट माइंड. मैं ग्रीन कलर लेके यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा शेप दे रही हूँ बिकॉज पिंक का हो गया, ग्रीन का मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है. सो द ब्लेंडिंग इज ऑलमोस्ट डन. सो अब मैं इस ग्रीन कलर को
जहाँ पे मैंने ग्रीन ब्लेंडिंग की है वहाँ पे लगा दूंगी। ये बटर सॉफ्ट है, द ग्लिटर्स आर, ये जो ग्लिटर मतलब शिमर जो शेड्स हैं, दिस शेड्स आर इवन बेटर देन द कलर्ड वंस। ये और भी ज़्यादा अच्छे कलर्ड वंस तो है ही, आप पिगमेंट देख सकते हो मेरा कितना जल्दी से हो गया मेकअप करके, बट दिस इज इवन मच बेटर। द आई मेन थिंग इज डन, अभी हम बाकी का पूरा फेस कर लेंगे। सो फेस के लिए मैं यूज करती हूँ शुगर का ये फाउंडेशन स्टिक विच इज 25 मैची आटो, सो मैं यही यूज करती हूँ। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, मैं दो कंसीलर्स यूज करती हूँ, ये मैंने मेरे पहले की वीडियोज में भी बताया है। सो येस दैट इज द सेम। तो सबसे पहले मैं फेसेस का यहाँ पे लगा लूंगी। एंड इसके बाद मैं हाईलाइट करने के लिए मेबलिन भी यूज करूंगी, तो इसलिए मैंने पहले फेस इसका लगा लिया है। अगेन टेकिंग पैक 272 कंसीलर ब्रश ओनली। ब्रश इतना ज्यादा सॉफ्ट है ना गाइस, आपको बहुत मजा आएगा। इफ यू, अगर आपके पास बजट मतलब है तो आप इसी ब्रश के लिए जाओगे, सेव करके ले सकते हो तो यही ब्रश लो, बिकॉज दिस विल फर्स्टली तो ब्रश बहुत ज़्यादा चलते हैं, इट्स नॉट दैट वंस यू यूज एंड उनका काम हो गया। सो आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर दिस ब्रश ओनली इफ यू कैन, बिकॉज इट इज जस्ट वर्थ इट। एंड अभी मैं मेरा फाउंडेशन जो है उसे लगा लूँगी। सो फाउंडेशन को भी मैं शुगर का ही फाउंडेशन ब्रश है मैं उसी से ब्लेंड कर लूँगी। अगेन दिस ब्रश इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर द प्राइस पॉइंट ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड एंड क्वालिटी वाइज ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड। फाउंडेशन ब्रश दूसरे कंपनी के भी आते हैं जो महंगे होते हैं, बट क्वालिटी यही होती है। सो फॉर फाउंडेशन आई विल सजेस्ट यू कि आप यही ब्रश के लिए जाइए, बिकॉज अगेन इट इज़ वर्थ इट। नेक्स्ट मैं ले लूँगी मेरा हाईलाइटिंग कंसीलर विच इज मेबलिन का, आई डोंट नो द शेड, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये मैं बहुत थोड़ा थोड़ा लगाती हूँ बिकॉज मुझे सिर्फ थोड़ा सा इसको हाईलाइट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। सो मैं ये बहुत थोड़ा लगाती हूँ एंड मैं यहाँ पे मेरे एक स्पॉट को भी कंसील करना भूल गई थी, वो भी थोड़ा कर देती हूँ। एंड फिर से ये हाईलाइटिंग कंसीलर को मैं मेरे कंसीलर के 272 ब्रश से ही ब्लेंड कर दूँगी। अब देख पा रहे होंगे थोड़ा सा जो है वो ब्राइटेंड लगता है अंडर आई। शुगर का पाउडर यूज करती हूँ, एक है ट्रांसलूसेंट पाउडर मेरे पास टू कंसील माई अंडर आईज वेरी प्रॉपरली। एंड नेक्स्ट अगेन मैं फेस के लिए भी शुगर का ही पाउडर यूज करती हूँ विच इज ब्राउन कलर, जो हमारे स्किन का कलर होता है वो वाला। सो दिस इज द शुगर का दूसरा वाला पाउडर विच आई यूज। समटाइम्स वेन आई नीड अ लाइक अ वेरी ग्लोई वाला मेकअप तो मैं फिर हमेशा पूरा फेस सेट नहीं करती हूँ, बट टुडे आई वॉन्ट मैट ओनली बिकॉज दैट इज माई मूड, तो इसलिए मैं आज यही यूज करूँगी। एंड आई विल अलाउ इट टू बेक इट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन विल ब्रश इट ऑफ। तो तब तक हम लगा लेंगे हमारा काजल। फेस सेट करने के बाद भी लगा सकते हो, बट मैं फेस सेट करने के पहले ही लगा लेती हूँ। सो पूरा हम रेडी हो गए, मैं लिपस्टिक लगाना तो भूल ही गई, तो जल्दी से मैं एक लिपस्टिक लगा लेती हूँ। सो मैं ले रही हूँ फेसेस का ही एक शेड, दिस इज अगेन वेरी मैचिंग टू द लिप्स, बहुत ज़्यादा मैं ओवर द बोर्ड नहीं जा रही हूँ। सो लगा ली मैंने लिपस्टिक एंड दिस इज द फाइनल लुक। Thank you.
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड येस, मतलब मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये लुक क्रिएट करके। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक मोर सच वीडियोज। कमेंट डाउन बिलो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय।